रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, आप सबकी जय हो। बताते हुए मैं प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाए 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही है बहुत व्यापक तरीके से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता हो। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे, उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल तबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना हो, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना हो और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय बागेश्वर धाम की। और 4 जुलाई को अभी से तुम मोबाइल पे ही विश कर दो, जय सियाराम।